आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 की, और उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। यानी कि कोई पॉलीनोमियल है, ये आपके पास सामने दिख रहा है, इसको डिवाइड करना बेटा, इससे डिवाइड करना, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, इसको बाय रिमाइंडर थ्योरम आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेट कर लो, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वेलेंट टू कितना, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x + 1 एंड रूट ऑफ x + 1 इज -1। के सर कैसे लिखा आपने, बेटा मैं लिख रहा हूँ रूट माइनस वन लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, x + 1 को आपको इक्वल पुट करना है 0 के, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -1। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर रियल नंबर -1 है तो x + 1 से आप डिवाइड करोगे, यदि डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बता कर रहा है तो आपको ये दिया, आपको इसको 0 के इक्वल पुट करके x = -1 फाइंड करना, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपको यहाँ से रियल नंबर फाइंड करना है, तो ये x + 1 के इक्वल में आपने बेटा यहाँ पर 0 पुट किया और x = क्या हो गया -1। अब आप क्या करोगे, इस पॉलीनोमियल में यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। तो देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज पी ऑफ एक्स इज इक्वेलेंट टू क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1। देयरफॉर पी ऑफ -1 क्या होगा, -1 का क्यू प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 + 1। के सर ये कैसे हो गया, बेटा वही सिखाया था मैंने आपको कि जो भी यहाँ पर आपका नंबर होगा, ठीक है, जो भी आपका ये जो रियल नंबर होता है, जो वास्तविक संख्या होती है, उसको सीधा x के स्थान पर रख देते हैं तो हमको सीधा शेषफल मिल जाएगा, और हमको वही तो ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने क्या पुट किया, -1, तो जहाँ x है वहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 का क्यू, तो इधर बता रहा हूँ मैं आपको, -1 का क्यू मतलब होता है -1 × -1 × -1, ये -1 + 1 फिर ये -1 फिर ये +1 वापस -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है बेटा। 3 × -1 का स्क्वायर की बात करें तो -1 क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा +1, ठीक है। और प्लस माइनस 3 × 3 और प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में होता है माइनस, पीछे आपके पास +1, ठीक है बेटा। तो ये है -1 + 3 × 3 − 3 + 1। अब ये +1 − 1 कैंसल, 3 − 3 कैंसल, तो क्या आ रहा, 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। हैंस रिमाइंडर ऑफ पी ऑफ एक्स इज 0। अतः इसका जो शेषफल आया वो कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन, तो बेटा सेकंड वाले क्वेश्चन में x − 1/2 आपको दे रखा है, यानी कि आपका रियल नंबर कोई 1/2 मिलेगा, क्योंकि 1/2 रियल नंबर है, तभी x − 1/2 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लेट करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स, तो हर बार पी ऑफ एक्स यही लेट करना है, ठीक है, क्योंकि यही है क्वेश्चन में। एंड रूट ऑफ किसका रूट, x − 1/2, तो कैसे निकालेंगे बेटा, रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/x − 1/2 को 0 के इक्वल में पुट करो, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 1/2 रूट मिल गया। एंड रूट ऑफ x − 1/2 इज 1/2, सिंस पी ऑफ एक्स कितना बेटा आपके पास, x³ है प्लस 3x² है प्लस 3x है प्लस 1 है, ठीक है। आपको यहाँ पर x को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है आपको, 1/2 से, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यू प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 + 1, पी 1/2, 1/2 का क्यू निकालें बेटा, इधर निकाल के बता रहा हूँ मैं, देखो 1/2 का क्यू मतलब उसी का उसी में 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, 1/2 1/2 1/2, ये हो जाएगा 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, तो 1/8 आ रहा बेटा, ठीक है, 1/8 प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, तो इतना ले लो सर, स्क्वायर मतलब उसी का उसमें 2 टाइम, तो 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4, तो हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 प्लस 3/2 + 1/1, ठीक है बेटा। तो आपकी फ्रैक्शन बन गई 1/8 प्लस 3/4 प्लस, सॉरी 3 × 3, हाँ करेक्ट है, 3 × 3 = 4 एंड 3/2 प्लस 1/1। बेटा फ्रैक्शन से इनको सोल्व करना आता है कि आपको, नहीं भी आता है तो मैं बहुत इजी आपको बता दूंगा, आ जाएगा समझ में। सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है जो हर है फ्रैक्शंस के, उनका हम यहाँ पर एलशियम ले लेते हैं, तो आ जाएगा देखो 8, 4, 2 एंड 1,
टू से करो, टू फोर जा टू, टू जा टू वन जा, फिर वापस टू से, टू टू जा टू वन जा, वन जा वन जा, जो हो जाएगा टू वन जा। तो यहाँ पर आ गया टू टू जा फोर, टू जा एट, तो इनका एलसीएम आएगा बेटा यहाँ पर एट। ठीक है, अब क्या करो, जो एक एक फ्रैक्शन है उसके हर से भाग दो, आठ का आठ में एक बार जाएगा तो इसका गुणा इसके आंसर में करो, एक गुणा एक। ठीक है बेटा, ये प्लस का साइन लगाए। चार का भाग दो आठ में, कितनी बार जाएगा, दो बार, दो का गुणा इसके आंसर में, तीन गुणा दो, प्लस दो का भाग दो आठ में, कितनी बार जाएगा, चार बार, चार का गुणा इसके आंसर में कर दो। ठीक है बेटा, एक का गुणा, एक का भाग करो आठ में, अगर मैंने गुणा बोल दिया हो तो आपको भाग ही समझना है, एक का भाग करो आठ में तो आठ बार जाएगा। अरे आया समझ में, अगर ये आठ है इसमें हम भाग देंगे एक का, तो वापस आंसर क्या आएगा, आठ ही आएगा, तो आठ का गुणा इसके आंसर में हो जाएगा, तो एक गुणा आठ। तो यहाँ से जो भी फ्रैक्शन मिल रही है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पर लिख देता हूँ, वन वन जा वन, वन वन जा वन हो गया, प्लस थ्री टू जा सिक्स हो गया। ठीक है बेटा, प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व, प्लस एट वन जा एट, डिनोमिनेटर तो एट ही है। चलो यहाँ पर आपको एज इट इज चले आ रहा है, पी वन बाय टू आ रहा है। ठीक है ना, पी वन बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा, सेवन, सेवन एट फिफ्टीन, फिफ्टीन और ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन बाय एट। तो बेटा आपका जो रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 27/8, तो लिख लेना, हैंस रिमाइंडर विल बी 27/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला हो गया। ठीक है, फर्स्ट का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा, उसमें यहाँ पर आपको ओनली एक से दे रखा है, तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात, अगर ये एक्स है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स प्लस जीरो, ठीक है, या फिर एक्स माइनस जीरो लिख लो, कुछ भी लिख लो, जीरो तो जीरो है, प्लस करो कि वहाँ पर माइनस करो। अब इसको सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट पी ऑफ एक्स, हमने सबसे पहले इस पॉलीनोमियल को लेट कर लिया क्योंकि ये एक्स में बेटा, इसलिए मैं हर बार एक्स में लेट कर रहा हूँ, अगर ये वाई में होता तो मैं हर बार वाई लिखता। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं इसमें। अब एंड रूट ऑफ एक्स प्लस जीरो इज इक्विवेलेंट टू इज जीरो, कि सर नहीं समझ में आया बेटा, अगर आपके पास एक्स प्लस जीरो को जीरो के इक्वल पुट करोगे तब भी जीरो ही आना है, क्योंकि इधर जाके ये प्लस माइनस मतलब कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो रूट है एक्स प्लस जीरो का, वो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ कुछ था ही नहीं, यहाँ पर अगर कोई रियल नंबर है ही नहीं तो रियल नंबर के कुछ नहीं है, मतलब क्या है, जीरो है, तो मैंने वही तो लिखा वहाँ पर, जीरो है। ठीक है, सो सेंस पी ऑफ एक्स हम क्या लिखते हैं, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, देयरफॉर पी ऑफ जीरो, जीरो का क्यूब प्लस थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन। बेटा ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ओनली वन बचेगा, तो यहाँ पर वन आ रहा है, तो पी ऑफ जीरो इज इक्वल इन टू क्या आया, वन, यानी कि रिमाइंडर आपका आ गया बेटा यहाँ पर वन। क्या सर नहीं समझ में आया, अगर आप इसको डायरेक्टली से भी समझोगे तो भी बेटा मैं बता सकता हूँ, क्योंकि एक मोनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो एक्स से। यदि आपके पास अगर क्वेश्चन होता ये इस टाइप से, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसा लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में लेते, इसमें से x कॉमन ले लेते बाहर, अंदर बचता एक्स स्क्वायर, फिर थ्री एक्स, फिर बचता थ्री, फिर प्लस वन, और फिर इसको x से डिवाइड करते, तो ये डिवाइड हो ही जाता ना, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता, प्लस वन बचता ना, तो वही तो रिमाइंडर यहाँ से निकाला हमने, रिमाइंडर कितना आया, वन आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्स प्लस पाई, इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इससे डिवाइड करना है उसमें, और आपको बताना है रिमाइंडर से इक्वल बताना है। तो वही लेट, सबसे पहले हम इसको पॉलीनोमियल को लेट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड रूट ऑफ, रूट मतलब होता है मूल, तथा मूल किसका, एक्स प्लस पाई का। ठीक है, तथा एक्स प्लस पाई का मूल, हिंदी में यदि लिखे हम, एंड रूट ऑफ एक्स प्लस पाई विल बी या इज क्या होगा बेटा, विल बी होगा माइनस पाई। कैसे, देखो एक्स प्लस पाई है, जीरो के इक्वल में पुट करो, एक्स इज इक्वल टू माइनस का पाई। सिंस पी ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, कोई पॉलीनोमियल गिवन है, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये बेटा आपको पॉलीनोमियल गिवन है, आपको क्या करना है कि
x को रिप्लेस करना है माइनस पाई से, विच इंप्लाइज पी ऑफ, या देयरफॉर करके लिखो, माइनस पाई इज इक्वलेंट टू माइनस पाई का क्यूब बेटा प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का पाई प्लस का वन, जहाँ x था वहाँ पर आपने पुट कर दिया पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा p माइनस पाई इज इक्वल इंटू पाई का क्यू, ये हो जाएगा पाई क्यू और यहाँ पर होगा माइनस, क्यों होगा, कहने का मतलब ये माइनस पाई इंटू कुछ इस टाइप से आएगा, तो पाई 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 का क्यू हो जाएगा और माइनस 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 प्लस, फिर वापस हो जाएगा माइनस माइनस पाई का क्यू और ये माइनस पाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर होगा माइनस पाई इंटू माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, 3 पाई का स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस माइनस 3 पाई और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा इतना यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पावर 3 वाला है, पावर 2 वाला है, पावर 1 वाला, कोई भी यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो बेटा ये हो गया आपका रिमाइंडर क्वेश्चन 4th का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5th की। तो बेटा 5th नंबर वाला क्वेश्चन है, अगर हम उसके सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लीड करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वेलेंट टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड रूट ऑफ, ये आपका जो क्वेश्चन गिवन है, 5 प्लस 2x, इसका रूट क्या होगा, विल बी, हाइंड करके देख लो, 5 प्लस 2x बेटा, इसको 0 के इक्वल में पुट करो, पहले प्लस का 5 उधर ट्रांसफर करो, 2x इधर बचेगा, प्लस का 5 हो गया माइनस, अब ये 2 मल्टीप्लाई में इसका ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, सिस्टम से पहले प्लस वाले को माइनस में और फिर ये 2 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में, तो माइनस 5 बाई 2 आया, तो विल बी क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का 5 बाय 2, ठीक है। सिंस आपको पता है कि आपका जो पॉलीनोमियल है बेटा p ऑफ x, वो क्या गिवन है, वो गिवन है एक्स क्यू, क्या सर आप तो याद ही हो गया, तो प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा ही होगा बेटा, ठीक है। देयरफॉर p ऑफ क्या रखना है आपको, माइनस का 5 बाय 2 रखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बाय 2 का क्यू प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाय 2 प्लस 1, ठीक है। माइनस 5 बाई 2 का क्यूब पहले आपको इधर बता देता हूँ मैं, माइनस 5 बाई 2 का क्यू निकालोगे बेटा तो इसका होगा माइनस 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाई 2, तो 5 5 5 3 टाइम 5 5 जा 25 25 5 जा 125 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वापस हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 तो हो जाएगा माइनस का 125 डिवाइड में 8, ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर निकालोगे तो माइनस 5 बाई 2 का यदि आप स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या होगा, माइनस 5 बाई 2 का मल्टीप्लाई किससे, माइनस 5 बाई 2 से, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 तो 3 इंटू 25 बाई 4 प्लस, बेटा ये प्लस है और ये अकेला माइनस तो ये मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर का 3 5 जा 15 और 2 1 जा 2 प्लस 1 बाय 1, ये भी फ्रैक्शन वाला बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 125 बाई 8 प्लस ये हो जाएगा 75 माइनस 15 बाई 2 प्लस 1 बाई 1, तो बेटा इसका एलसीएम भी लेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया था इसका एलसीएम आएगा 8, अब 8 से 8 में डिवाइड करो 1 टाइम, माइनस 125 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होकर वापस वही आ जाएगा, 4 का डिवाइड करो 8 में, तो 8 में आप 4 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 75 में, तो 75 का डबल हो जाएगा 150, आप चाहो तो एक स्टेप लिख लेना वो वाली जो मैंने पहले सिखाई थी, 75 में 2 का मल्टीप्लाई लिखोगे तो हो जाएगा 150 और 2 से 8 में डिवाइड करो, 8 से 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 4, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का 60 आ जाएगा बेटा, और 1 का 8 में डिवाइड करोगे तो 8 आएगा और 8 बन जा 8 आएगा, ठीक है, पहले प्लस प्लस वालों को 8 करो और माइनस माइनस वालों को, तो 150 और ये हो जाएगा 158 और ये दोनों देखो माइनस माइनस के 8 हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 185, जब सेम सेम साइन देखेंगे तो आप 8 करेंगे और साइन वही लिखेंगे जो होगा, माइनस माइनस दोनों है माइनस के 8 हो गए, 150 और ये दोनों 8 हो गए, साइन प्लस का ही लिखा हुआ है, ठीक है, अब प्लस माइनस होगा बेटा यहाँ पर माइनस, इसका डिवाइड आपको 8 लिखना है, अब इसमें माइनस कर दो तो 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा 8, आंसर आएगा नेगेटिव, क्या सर नेगेटिव क्यों, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है 185 उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा माइनस, तो आपका रिमाइंडर आ गया फाइनली,
ठीक है बेटा, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे रिपीट करते आना और ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो बेटा ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एंड हो गया, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सोल्व करें और आप उसका आंसर कमेंट में दे, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर एक्स माइनस टू, ये क्वेश्चन है मेरा, आपको क्या करना है रिमाइंडर बता करना है इसके लिए, ठीक है।